नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है डिस्कस करने के लिए, ये है सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो सीड टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था, ये सीड टेक्नोलॉजी होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजंस ये जो सीरीज थी आपकी अरुण का 10 वनली वन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की, ये थोड़ा सा इसमें डिले हो गया, इसमें थोड़ा सा स्टॉपेज लग गया। तो उसके लिए जो है सॉरी रहेगा, लेकिन अब आपकी जो वॉल्यूम वन की जो सीरीज है, अब जब तक वॉल्यूम वन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको वॉल्यूम वन की वीडियोस मिलेंगी और डेली मिलेंगी आपको। ये जो है, अब आप जो है स्टे ट्यून्ड रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें। और नियर अबाउट या तो आपको सुबह मिलेगी वीडियो, या फिर शाम टाइम पे आपको वीडियो अपलोड होती हुई मिल जाएगी। सुबह का मतलब है वही अराउंड आपका लगभग जो है 10 बजे के आसपास, 10 बजे या तो 11 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलेगी, या तो फिर जो है शाम को मिल जाएगी। मतलब कुल मिला के ये है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और जो बेल बनी होती है ना, इस बेल को जरूर इसको जो है टैप कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जो है बराबर मात्रा में आती रहे, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं सीड टेक्नोलॉजी का, जहां हमें सबसे पहले ये देखना है कि बेसिकली सीड क्या है, व्हाट इज सीड। अब हम सीड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि बीज है क्या, आखिर इस सीड होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, दो तरीके से हम सीड को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, एक एग्रोनॉमिकली और एक बोटानिकली। तो पहले जो हम डिफाइन करेंगे वो एग्रोनॉमिकली करेंगे, दूसरा वाला हम डिफाइन करेंगे बोटानिकली। ठीक है, तो एग्रोनॉमिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसे कहोगे सीड इज अ लिविंग ऑर्गन ऑफ द क्रॉप इन द रूडिमेंटरी फॉर्म दैट इज यूज फॉर द प्रोपोगेशन और एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम विच ए न्यू क्रॉप विल ग्रो। कह रहा है कि सीड एक ऐसा लिविंग ऑर्गन है किसी क्रॉप का। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर दे रहा है ना, थोड़ा सा हम लोग जो है ऐसा लेते हैं कलर जो दिखे। तो हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो कह रहे हैं कि सीड क्या है, सीड एक ऐसा लिविंग ऑर्गन है। सबसे पहले सीड क्या है, अगर आपसे पूछ ले सीड इज अ डैश ऑर्गन, तो क्या है, एक लिविंग ऑर्गन है। किसका, तो क्रॉप का है। अब किस क्रॉप का है, तो लिविंग ऑर्गन है ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में है, तो रूडिमेंट्री फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब फंडामेंटल फॉर्म होता है। ठीक है, सीड लिविंग ऑर्गन है, फंडामेंटल फॉर्म होता है क्रॉप का, और फॉर्म दैट इज यूज फॉर। अब इसको इसलिए यूज किया जाता है, इस फंडामेंटल फॉर्म को इसलिए तो इसको यूज किया जाता है कि एक नया क्रॉप वहां से जनरेट करा जा सके। क्या है, एक न्यू क्रॉप जहां से जनरेट हो जाए, उस पर्पज के लिए हम सीड का यूज करते हैं, तो इस चीज को हम बोलेंगे सीड। क्या बोलोगे, सीड। तो आप सीड को कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे सीड इज अ लिविंग ऑर्गन ऑफ अ क्रॉप इन द रूडिमेंटरी फॉर्म दैट इज यूज फॉर द प्रोपोगेशन। ठीक है, और एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम विच ए न्यू क्रॉप विल ग्रो। अब ये देखिए, यहां तक समझ में आया आपको कि फॉर्म दैट इज यूज फॉर द प्रोपोगेशन, यहां तक आप समझ गया। लेकिन ये और एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम विच, ये क्या है। देखिए, इसका मतलब हुआ कि देखिए सीड तो आपका जो आपने देखा बीज होता है वो आप जानते ही हो, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये डाउट हो गया कि ये एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप मतलब ये बीच में कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब हुआ ये कि सीड जिन प्लांट के पास है वो तो ठीक है, जिन प्लांट पे सीड नहीं है जर्मिनेट होता है, वहां पर आप भैया एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पार्ट का कोई भी प्लांट जो वेजिटेटिव नेचर का हो, उसे भी आप सीड ही बोलोगे। क्या बोलोगे, सीड ही बोलोगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में आप बहुत सारे जानते होंगे, जैसे कि आप ले लीजिए एग्जाम्पल किसी का भी, अब जैसे रोज का ले लीजिए, तो रोज में आपको कहाँ पर सीड मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। ऐसे ही आप पोटैटो ले लीजिए, ठीक है, तो पोटैटो में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक, वो ट्यूबर्स में आप करते हो वहाँ पे। तो इस तरह के जो है, इस तरह आप डिफाइन करेंगे सीड को एग्रोनॉमिकली। वही अगर बात करेंगे बोटेनिकली, आप कैसे जो है बोटैनिक लैंग्वेज में कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, तो आप बोटेनिकली कुछ इस तरीके से आप बताओ कि सीड क्या होता है। आप बताओ कि अ सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो स्टोर्ड फूड एंड सीड कोट विच इज वायबल। वायबल का मतलब लिवेबल एंड हैज गॉट द कैपेसिटी टू जर्मिनेट। कह रहा है सीड एक ऐसा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है
सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कंसिस्ट करता है एम्ब्रियो, यानी कि ये ओव्यूल जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये क्या कंसिस्ट करेगा, कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो। इंटैक्ट एम्ब्रियो होगा इसमें, स्टोर्ड फूड होगा और सीड कोट होगा। ठीक है, ये तीन चीजें जो है आपके सीड में मिलती हैं। और ये कैसा सीड होगा, तो विच इज वायबल, यहाँ पर आई होगा। ठीक है, विच इज वायबल यानी कि लिवेबल, जो लिव कर सकता है, एंड हैज गॉट कैपेसिटी टू जर्मिनेट, और उसके पास कैपेसिटी होती है कि ये दोबारा से जर्मिनेट कर सकता है एक न्यू प्लांट में। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है? तो जर्मिनेशन मीन्स द कैपेसिटी ऑफ सीड टू गिव राइज टू नॉर्मल स्प्राउट्स और वेजिटेट विद इन अ डेफिनेट पीरियड फिक्स्ड फॉर ईच क्रॉप अंडर द ऑप्टिमम फील्ड कंडीशन। कह रहा है देखिए, आपने सीड पढ़ा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जर्मिनेशन क्या होता है। देखिए, जर्मिनेशन हम बोलते हैं सीड की कैपेसिटी को, सीड की वो कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जो उस सीड को स्प्राउट करने के लिए इंड्यूस करे या उसको कैपेबल बनाए, उसी को हम जर्मिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? जर्मिनेशन बोलते हो, यानी कि सीड की कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जिससे वो एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सके, एक न्यू प्लांट को बिल्डअप कर सके वाया नॉर्मल स्प्राउट्स विद इन अ डेफिनेट पीरियड इन ऑप्टिमम फील्ड कंडीशन। यानी कि एक डेफिनेट पीरियड टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें सीड को जर्मिनेट होता है। हर एक सीड का एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें वो जर्मिनेट कर जाता है। तो उस टाइम पे उसका जर्मिनेशन हो जाना और नॉर्मल स्प्राउट्स देना, अब नॉर्मल स्प्राउट्स ना दे के, बिल्कुल नॉर्मली जैसे वो ग्रो होता है वैसे स्प्राउट्स देकर ऑप्टिमम फील्ड कंडीशन में अगर वो जर्मिनेट हो जाता है, उसकी कैपेसिटी जो है ये कैपेसिटी ऑफ सीड की वायबल होने की, यही कहलाता है जर्मिनेशन। यानी कि कैपेसिटी ऑफ सीड टू बी वायबल, इसे आप क्या बोलोगे, जर्मिनेशन बोलोगे। यानी कि कैपेसिटी ऑफ सीड्स की जीने की जो, यानी कि अगर शुद्ध हिंदी में कहें व्हाट इज जर्मिनेशन, तो बीज के जीने की जो क्षमता है उससे आप जर्मिनेशन बोलोगे। यानी कि उसकी क्षमता जिस पे वो डिपेंड करता है, जिन कंडीशंस पर अगर वो उसको मिल जाती हैं तो क्या होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होती हैं और इजीली वो जर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ जर्मिनेशन। अब ये कैपेसिटी के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए जिससे ये आसानी से अपनी कैपेसिटी को बूस्ट कर पाएगा और जर्मिनेशन इसका हो पाएगा, तो वही चार चीज़ें हैं जिसके लिए, फोर एसेंशियल फैक्टर्स बेसिकली आपके पास होने चाहिए। पहला तो कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, यानी कि सीड के पास, खुद के पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए जर्मिनेट होने की। दूसरा यानी कि वो लिवेबल होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, टेम्परेचर होना चाहिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि ये चार चीज़ जो है एसेंशियल फैक्टर्स हैं किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए। क्या क्या? तो कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सप्लाई, यार ये चार चीज़ मिलती हैं आपको तो आपका सीड बेनिफिटली और यू कहें कि इफेक्टिवली जर्मिनेट होगा। नेक्स्ट बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ ऑफ प्लांट को गवर्न करते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो इफेक्टिवली, वो बेटर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका पेरेंटल फीचर, यानी कि उसके जो जीन, यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे, क्या वो फीचर उसके अंदर आए हैं या नहीं आए हैं, जो आप इनहेरिटेंस में आप पढ़ते हो, जो जॉन मेंडल के जो थ्योरीज हैं वो वाली चीज़ यहाँ पर है। तो पेरेंटल फीचर कैसे हैं उसके, एयर उसको बराबर मिली है, एरेशन हो रहा है या नहीं, मॉइस्चर उसको कम एडुकेट अमाउंट में मिल रहा है, टेम्परेचर उसको ऑप्टिमम मिल रहा है यानी लाइट उसको ऑप्टिमम मिलती है यानी एडुकेट अमाउंट ऑफ मिनरल्स उसको सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्न करती हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर छह चीज़ें आपको याद रखनी है कि पेरेंटल फीचर, एयरेशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट और मिनरल्स, ये चीज़ें जो है फैक्टर हैं जो गवर्न करेंगे किसी भी प्लांट की हेल्थ। अगर ये उसको नहीं मिलता है, किसी भी प्लांट को अगर ये इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ की कमी होती है, तो प्लांट का जो हेल्थ है वो आपको बेटर नहीं दिखेगा। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करना जरूरी है जब भी आप ये कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो आपको ये सारे वहाँ पर मेंशन करने हैं। और एसेंशियल फैक्टर्स की जब बात की जाएगी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, तो ये चार चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है आपका कि व्हाई फील्ड जर्मिनेशन इज ऑलवेज लोअर देन द जर्मिनेशन ऑफ
सीड टेस्टेड इन लेबोरेटरी, कह रहा है कि अगर हम किसी भी सीड के जर्मिनेशन अगर फील्ड में करते हैं तो वो हमेशा लोअर दिखाता है, वहीं अगर उस जर्मिनेशन और सीड अगर हम उसको लैब में अगर टेस्ट करें तो वहां पर बेहतर दिखाता है। ऐसा क्यों, ऐसा समझिए क्यों होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब इट इज ऑलवेज लोअर, कह रहा है हाँ ये लोअर होता है, क्यों, बिकॉज द मॉर्टेलिटी ऑफ सीडलिंग्स जर्मिनेशन इन द फील्ड फ्रिक्वेंटली डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो मॉर्टेलिटी है सीडलिंग्स की जर्मिनेशन को लेकर वो फ्रिक्वेंटली कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि एंटोमोलॉजिकल, फाइटोपैथोलॉजिकल, एडाफोलॉजिकल एंड मीट्रोलॉजिकल फैक्टर पर। तो लैब में तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, वहाँ पर तो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फील्ड पर ये सारी चीज़ें आपको क्या है, ओपन एनवायरनमेंट में, अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जर्मिनेट किया जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। सेकेंड, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिक्रीशंस, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट्स भी आपको मिल सकता है फील्ड में ऑर्गेनिक सिक्रीशंस की वजह से, इस वजह से भी आपका जो सीड जर्मिनेशन है उसमें अल्टरेशन, उसमें कमी पाया जा सकता है। अप्लाइड केमिकल्स, अब फील्ड में कई सारे केमिकल्स लोग अप्लाई करते हैं टू हार्वेस्ट गुड, तो इस वजह से भी जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। स्टोरेज पीरियड ऑफ सीड सच दैट एजिंग, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा पुराना सीड हो गया है तो वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा फील्ड में उतनी बेहतर तरीके से जितना वो लैब में बेहतर तरीके से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप समझ गए हैं, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है या जो आपका टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सीडलिंग्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीडलिंग्स के इमर्जेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो एसेंशियल रिक्वायर्ड फैक्टर्स थे अगर उनमें कमी पाई जाएगी तब भी जो है ये अफेक्ट करेगा, उसके साथ साथ अगर आप चीज़ वो सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन फिर भी आपका सीडलिंग जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसका इमरजेंस नहीं हो रहा है बेटर तरीके से, तो आप क्या समझोगे कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, डीप सोइंग ऑर्डर डेप्थ ऑफ सॉइल कवर ओवर द सीड, यानी कि जो बीज है उसको आप ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर उसको आप डेप्थ में उसको सो करें, थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में, एक एडिक्वेट जो है डिस्टेंस होती है जिसमें आपको सीड को सो करना होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 6 से 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से, यानी कि यूँ समझिए कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप तो उसकी डेप्थ रखिए ही मत, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको उसकी जो है डेप्थ नहीं रखनी है सीड की। अब आगे चलें तो इनएडिक्वेट और द एक्सेस सॉइल मॉइस्चर, अगर आपने एक्सेस सॉइल मॉइस्चर दे दिया तब भी सीड आपका जो है वो सड़ जाएगा, रॉट हो जाएगा और आपको इमर्जेंस नहीं दिखेगा। पुअर एरेशन, यानी कि अगर एरेशन बकायदा नहीं होती है, अगर आपने फील्ड को सही से प्लाव नहीं किया है, उसमें एयर सही से नहीं एरेशन हो रहा है, एयर का फ्लो सही नहीं हो रहा है, तब भी आपको सीड जर्मिनेशन में आपको क्या कमी दिखाई देगी। हायर सॉइल कम्पैक्शन और द इम्परमेबल लेयर ऑफ द सॉइल और द आउटर मटेरियल, यानी कि अगर हायर सॉइल कॉम्पैक्शन है, यानी कि अगर आपने प्लाव सही से नहीं किया है, मिट्टी भुरभुरी नहीं है, उसमें क्लॉट ज़्यादा है, मिट्टी के ढेले ज़्यादा हैं, तो फिर भी क्या होगा, आपका जो इमरजेंस है उसमें आपको अफेक्शन दिख सकता है, यानी कि उसमें आपको हो सकता है कि कमी आपको दिखाई दे, नंबर ऑफ सीड जितने आपने सो किए हैं उतने आपको इमरजेंस ना दिखाई दें। लो टेम्परेचर होगा तब भी क्या होगा, आपके सीडलिंग्स बेटर नहीं ग्रो कर पाएंगी। रैपिड डेसिकेशन ऑफ सॉइल, लॉन्गर टाइम पीरियड, पुअर सीड कैपेसिटी, डेट्रीमेंटल यानी कि हार्मफुल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉइल कंडीशन, यानी कि सॉइल कंडीशन का होना भी बेहतर, ये भी जरूरी है अगर आपको प्रॉपर सीडलिंग्स का इमरजेंस आपके फील्ड पर आपको देखना है। तो आई होप ये पूरी स्लाइड आपको क्लियर है कि और कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इमरजेंस ऑफ सीडलिंग्स के लिए। कहीं पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सोशल मीडिया हैंडल्स का जो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जो ट्विटर है, वहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वहाँ पर इन सभी हैंडल्स का, सोशल मीडिया का, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ आप अपनी क्वेरीज और जो पर्टिकुलर रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है, वहाँ डाउट है, वो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वो क्लियर कर पाऊँ वाया वीडियो। तो हाउ टू इम्प्रूव जर्मिनेशन, अब जर्मिनेशन को आप कैसे इम्प्रूव करोगे, अभी तक आपने पढ़ लिया कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे
और क्या क्या फैक्टर्स थे जो रिक्वायर्ड थे एक बेटर जर्मिनेशन के लिए, लेकिन अब आप क्या करोगे, कैसे इम्प्रूव करोगे? तो सबसे पहली बात, फॉलियर फीडिंग ऑफ नाइट्रोजन एट द ग्रेन फिलिंग स्टेज इम्प्रूव द जर्मिनेशन। अगर आपके जर्मिनेशन हो रहा है तो नाइट्रोजन का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होता है जिस समय ग्रेन फिलिंग स्टेज पर आपका जर्मिनेशन या सीडलिंग हो। उस समय अगर आप नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हो तो ये बहुत बेहतर होता है जर्मिनेशन के लिए। इनिशियल ग्रोथ एंड अब ये जो इनिशियल जो ग्रोथ है उसको जज करिए, कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसी नहीं ग्रोथ हो रही है, उसको चेक करिए, सॉइल टेस्ट कराइए। ग्रोथ विगर ऑफ सीडलिंग्स, यानी कि जो ग्रोथ विगर है, जो सीड्स की जो कैपेसिटी है ग्रोथ करने की, लिवेबल वायबल होने की, वो क्या है। वीकेंस डॉर्मेंसी, यानी कि आप जो उसकी डॉर्मेंसी है उसको वीक कर दीजिए तो क्या होगा, बेहतर तरीके से जर्मिनेट होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आप नाइट्रोजन का एप्लीकेशन आपने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉलियर फीडिंग अगर आप कर देते हो तो ये आपकी जो इनिशियल ग्रोथ है या जो ग्रोथ विगर है सीडलिंग्स का या जो डॉर्मेंसी है प्लांट की, उन सभी चीज़ों क्या करेगा, डॉर्मेंसी को वीकेंड कर देगा ये नाइट्रोजन। ठीक, ग्रोथ विगर जो है उसको बढ़ा देगा, इनिशियल ग्रोथ बेहतर दिखेगी आपको। तो इस तरीके से आप जर्मिनेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो बेटर वे में। तो ये चीज़ें आपको सीड में देखनी है कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करके ये सारी चीज़ें ला सकते हो, यानी इनिशियल ग्रोथ बेटर हो, ग्रोथ जो विगर है सीडलिंग का वो बेटर हो जाए, डॉर्मेंसी को वीक करना है, तो ये सारे नाइट्रोजन का एप्लीकेशन आप करोगे, फॉलियर फीडिंग कराओगे आप नाइट्रोजन का। नेक्स्ट बात करें तो कौन सा केमिकल यूज आपको करना है अगर बेटर जर्मिनेटिंग सीड्स चाहिए आपको, या फिर बेटर जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूस करना है तो कौन सा केमिकल का यूज करोगे। तो केमिकल राइपनर एक आता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgCl3 का होल ट्वाइस एट द रेट 20 kg पर हेक्टेयर। आप इसको अप्लाई कर सकते हो सनफ्लावर में, इसमें सनफ्लावर में 40 days आफ्टर द फ्लावरिंग टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड ट्वाइस विदाउट अफेक्टिंग द सोइंग क्वालिटी। यानी कि दो बार इसको 40 दिन बाद जब सनफ्लावर के जो फूल है वो निकल आते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट को जो रिड्यूस करने के लिए आप इसको दो बार अप्लाई कर सकते हो 20 kg पर हेक्टेयर। सो दिस वॉज ऑल फॉर द सीड टेक्नोलॉजी वीडियो लेक्चर 1। ये आपके वीडियो लेक्चर 1 सीड टेक्नोलॉजी का था, यहाँ पर मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स बताए, आई होप यहाँ पर सारे आपको क्लियर हैं। और इसके बाद सीड इंडेक्स, ये जो चीज़ें हैं हार्वेस्ट, कौन कौन से वराइटीज़ होती हैं सीड की, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर टैप कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं नोटिफिकेशन वहाँ पर क्या करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर क्या होता है, कई बार यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, या फिर फेसबुक पेज पर, या फिर मेरे फेसबुक हैंडल से आप कनेक्ट हो जाइए तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कर लीजिए, या फिर ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अब जो ये जो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, और ये अरुण कात्यायन का वॉल्यूम 1 अब हम लोग जो है पूरा फिनिश करेंगे। अब इसमें पर डे आपकी वीडियो आएगी, पर डे वीडियो आपकी आएगी, इसमें कोई भी जो है डिस्टर्बेंस अब नहीं होगा। तो आई होप आप चीज़ें सारी समझ गए हैं। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।